लगातार मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर मसूरी देहरादून मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे मार्ग के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहीं गलोगी पावर हाउस के पास मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे एक तरफ लगातार दुर्घटना की आशंका बनी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को घंटों जाम में भी फंसना पड़ रहा है। इस बात को लेकर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी आवागमन करते हैं, जिसे देखते हुए मसूरी आने के लिए वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में किमाड़ी हाथी पांव मोटर मार्ग की स्वीकृति हुई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में आज वह मार्ग जर्जर हो गया है, जिसका डामरीकरण किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र प्रेषित किया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। इससे पहले आज से 1.5 साल पहले SDM के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद को और हमारे कैबिनेट मंत्री को इसमें SDM के माध्यम से मैंने ज्ञापन दिया था, पर इन्होंने उस टाइम से अनदेखी करी। कल 2 घंटे भी पर्यटक यहाँ पर जाम में फंसे रहे और आज खुद मैं 1.5 घंटा यहाँ जाम में फंसा रहा। और इसमें जो किमाड़ी वाला मुख्य मार्ग है हमारा, वहाँ पर भी इनको सूद लेनी चाहिए थी पहले। अगर 1.5 साल पहले अगर वहाँ से सूद ले लेते तो आज ये परेशानी ना होती। और कल के डेट में जितने हमारे पर्यटक आ रहे हैं तो पर्यटकों के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? उसकी जिम्मेदारी या विभाग ले अपने ऊपर या सरकार ले? और जबकि कैबिनेट मंत्री यहाँ के खुद क्षेत्र है, उसमें कैबिनेट मंत्री तो उनको दुरुस्त करनी चाहिए थी रोड, पर इन्होंने अनदेखी करी। खाली है वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए, खाली घोषणाओं में छाने के लिए, खाली इन्होंने हर टाइम हवा में बात करी और जमीनी स्तर में कोई काम नहीं करा इन्होंने। बुनियाल जी, अभी मुख्यमंत्री ने और साथ में कैबिनेट मंत्री भी थे, उन्होंने मसूरी विधानसभा के लिए 70 करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो इसमें ये है कि अब तो ये खाली ये कोरी घोषणा है, ये खाली अब जब चुनाव नज़दीक है, 2-3 महीने पे चुनाव आ रहे हैं, नवंबर में आचार संहिता लग रही है और ये कागजी कार्रवाई में तो ये 6-7 महीने तो कागज कार्रवाई में लग जाएंगे और उसके बाद सरकार रहे ना रहे खाली इनकी ये घोषणाएँ तक है। अगर इन्होंने कार्य करना होता तो आज से ये 2-3 साल पहले ये पूरा कार्य कर चुके होते। सैन्य धाम बन रहा है 90 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य धाम बन रहा है, तो आपको लगता है कि सैन्य धाम जरूरी था? या जबकि इस समय सरकार बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रही है, उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति पर 70,000 रुपये का कर्जा है, जो पैदा होता है बच्चा उस पर भी 70,000 रुपये का कर्जा है, 70,000 कर्ज के बोझ को लेकर पैदा होता है उत्तराखंड का जो बच्चा है, तो इसको लेकर जो 90 करोड़ रुपये की लागत से जो सैन्य धाम बना रहा था मसूरी देहरादून रोड पर बार बार जो है ये भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिर रहा है, दरारें पड़ी हैं। पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी का 2 सितंबर को यहाँ विजिट था, उस विजिट के दौरान भी उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया, मंत्री जी और विधायक जी ने भी लिया, इंजीनियर साहिबान ने भी लिया। कोई फ्रांस का कंपनी था जिसको इसका ट्रीटमेंट में लगाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे तो सब सोते हुए नज़र आए, न कोई फ्रांस की कंपनी आई, न कोई ट्रीटमेंट दिखा। और कल तो ये हुआ कि बार बार ये रास्ता जो है काफ़ी देर तक अवरुद्ध रहा और आगे भी अवरुद्ध रहने की संभावना है, जब जब बारिशें होंगी उस पर दरार पड़ी हुई। इसको तो पहली प्राथमिकता में जब मुख्यमंत्री ने निर्देश कर दिया तो उसके बाद कौन से आदेश की आवश्यकता इंतजार की जा रही है? तो इसको तो माननीय विधायक जी को पहली प्राथमिकता में रखना चाहिए था और ये सड़क जो है जगह जगह बाधित हो रही है उसका निदान निकालना चाहिए था। और एक साथ में एक बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता भी है। देहरादून किमाड़ी मसूरी मोटर मार्ग को सुव्यवस्थित